से आज उम्मीद करते हैं हम लोग ठीक हो गए, हम सब भी ठीक हैं। तो ये मैं आई हूँ अपने मामू के घर। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं वीडियो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो अभी मैं आपको मम्मा से मिलवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ हम भी खैरियत से, आप भी खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो हमारी वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन लाजमी प्रेस कर दें। तो आज मैं आई हूँ अपने बड़े भाई के घर। तो ये मेरा भतीजा बैठा हुआ है, हम सहन में बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। तो मैं हूँ पप्पो का भतीजा, आप लोग मुझे जानते होंगे, जो लोग मुझे नहीं जानते वो पिछली वीडियो में जाके देख लें, वहाँ पर मैं आ चुका हूँ। तो बाकी लोग भी आ चुके हैं, हमारे फैमिली के ख़ानदान के सब लोग यूट्यूब पर आ चुके हैं। ये हमारी रानी फैमिली व्लॉग का है, जिसे आप लोग अपना प्यार नहीं दिखा रहे हैं। तकरीबन मेरी पप्पो तकरीबन मेरे ख्याल से महीना तो हो गया है, मंथ से वीडियो रेगुलर अपलोड कर रही हैं। लेकिन ये वीडियो अपलोड करने का मकसद ये है कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हो और ये फेमस हो और इनका नाम बने। लेकिन ये नाम वब बनेगा जब आप लोग यूट्यूब पर अपना नाम दिखाएंगे, यानी सब्सक्राइब करेंगे, व्यूज़ करेंगे, वॉच करेंगे हमारी वीडियो को। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा, मैं अपनी पप्पो की जो मेहनत है उस पर थोड़ा सा बोल रहा हूँ। मेरी पप्पो रोज़ाना रेगुलर एक वीडियो अपलोड कर रही है यूट्यूब पर। तकरीबन इस वक्त यूट्यूब पर मेरी पप्पो ने तकरीबन 30 वीडियो अपलोड कर दी होंगी। उन 30 वीडियो के हिसाब से तकरीबन भी इस वक्त 100 सब्सक्राइबर तो आम हो जाने चाहिए थे, लेकिन इस वक्त हमारी पप्पो के चैनल पे तकरीबन 39 सब्सक्राइबर हैं। तो आप लोग अपना सब्सक्राइब का जो काम है वो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं। जहाँ तक मैंने देखा है तो तकरीबन कुछ वीडियो पे 100 व्यूज़ भी आए हैं। तो 100 व्यूज़ आ चुके हैं, लेकिन 100 सब्सक्राइबर नहीं आ रहे। तो आप लोग अपना थोड़ा सा प्यार दिखाएं। जिस तरह आप वीडियो प्यार से देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब से आपका बिल्कुल कुछ नहीं जाने वाला, लेकिन इससे हमारा काफ़ी फ़ायदा होता है। एक सब्सक्राइब के बटन से आप लोगों का कुछ नहीं जाना है, लेकिन हमारे इससे काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। और वीडियो से ज़्यादा हमारे को हौसला मिलता है कि हम लोग और वीडियो अपलोड करें। तो हमारी पप्पो तकरीबन महीने से वीडियो अपलोडिंग कर रही है और आइंदा भी करती रहेगी। आप लोग फिक्र मत करें, वीडियो अपलोडिंग होती रहेगी। भले आप लोग सब्सक्राइब अब ना भी करें, लेकिन फिर भी आप लोग वीडियो को शेयर करें। तकरीबन 39 सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पर, 39 सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पर। तो 39 सब्सक्राइबर अगर 39 लोग को शेयर करें तो ये 39 सब्सक्राइबर और बढ़ेंगे। तो आप लोग जितने भी सब्सक्राइबर हैं, आप लोग अगर एक एक बंदा भी शेयर करें तो इससे काफ़ी हमारे को हौसला मिलेगा। लेकिन आप लोग वो हौसला बिल्कुल नहीं दिखाते। आप लोग आते हैं, वीडियो देखते हैं और मैं कह रहा हूँ देखते हैं खुश से, लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, लेकिन आप शेयर नहीं कर रहे बिल्कुल। शेयर करें प्लीज़, और कीप वॉचिंग वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर करने से हमारा फ़ायदा होगा, इससे आपका बिल्कुल कुछ नहीं जाने वाला। या सब्सक्राइबर करने से आपकी मोबाइल की मेमोरी बिल्कुल नहीं भरने वाली, लेकिन इससे काफ़ी फ़ायदा होता है एक यूट्यूबर को। तो मैं एक यूट्यूबर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो देखता हूँ। तो इंशाल्लाह अगर पप्पो ने अगर पप्पो कामयाब हुई तो इंशाल्लाह मेरा भी यूट्यूब चैनल आएगा, तो आप उसको भी सब्सक्राइब करना। लेकिन अगर आप इधर प्यार नहीं दिखाएंगे तो फिर हम लोग जैसे कैसे यूट्यूब चैनल बनाएंगे? तो आप लोग प्लीज़ अपना प्यार दिखाएँ। और अगर मेरी कोई बात आपको माइंड की हुई है तो प्लीज़ माफ़ करना, लेकिन मैं काफ़ी टाइम से ये देख रहा हूँ, अगर ऐसी कोई बात होती है तो प्लीज़ आप लोग हमें माफ़ कर देना। लेकिन बस ये दिल में बात ही तो बोल दी, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई बात बुरी लगी है तो सॉरी। लेकिन आप लोग व्लॉग को एंजॉय करें और शेयर करें, सब्सक्राइबर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, ताकि हम लोग अच्छे से अच्छा कंटेंट और लेके आएँ। उम्मीद है आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे और आपने दिल पर नहीं ली होगी। थैंक यू। उम्मीद है आप इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अगर आपको मेरी बात से एग्री करते हैं तो लाइक करें, शेयर करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक बात मैंने दोबारा की कि 39 सब्सक्राइबर हैं, तो 39 सब्सक्राइबर अगर एक एक बंदे को भी शेयर करें तो तकरीबन 39 सब्सक्राइबर एक दो दिन में और बढ़ेंगे। और वही 39 सब्सक्राइबर अगर और लोगों को शेयर करेंगे तो काफ़ी फ़ायदा होता है। लेकिन आप लोग शेयर का जो सिस्टम है बिल्कुल ख़त्म कर चुके हैं। आप लोग सिर्फ व्यूज़ देखते हैं, वीडियो वॉच करते हैं, लेकिन सब शेयर नहीं करते। तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें और हमारी पप्पो का साथ दें। और अगर फिर भी अगर मेरी कोई बात भी लगे, क्योंकि मैं ऐसे ही बोलता हूँ, मैं ज़्यादा हूँ नहीं, लेकिन फिर भी ऐसे बोलता हूँ, आप शेयर करें वीडियो, ज़्यादा शेयर करें, शेयर से ज़्यादा फ़ायदा होता है शेयर से। तो अब मैं आपको दोबारा पप्पो के बाद लेके चलता हूँ। मैं तो ज़्यादा ही हाइपर हो जाता हूँ गुस्से में, लेकिन गुस्सा नहीं, ये मेरा स्टाइल है बोलने का।
तो हम आते हैं दोबारा अपनी फूफो के पास। जी तो प्यारे बहन भाइयों, ये मेरा भतीजा था जिसने आप लोगों से बात की है, बातें बहुत अच्छी करता है। अगर कोई बात आपको अच्छी ना लगे तो फिर भी हम सॉरी करते हैं। तो अभी आपको विजिट कराते हैं अपने भाई के घर का। लो मोहम दिखाओ। तो देखिए व्यूअर्स, ये जो है ना मेरे मामू का पहला कमरा है, नहीं दूसरा है सची, ये दूसरा कमरा है। दो कमरों का मकान है इनका, ये विंडो है। मैं आपको दूसरे कमरे का विजिट कराती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, ये जो मेरे मामू का फर्स्ट रूम है, ये इनके घर का जो है व्यू है आने का। यहाँ से हम दाखिल होते हैं अंदर। ये देखिए, ये इनका फर्स्ट रूम है, इसका भी हमने आपको विजिट कराया। ये देखिए मोहम्मद जान क्या कर रहे हैं। मोहम्मद जान बेबी बेबी, अंकल आंटी इसको हाय तो कर दो, बोलो हाय। आय गंदा बच्चा, पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो ये देखें व्यूअर्स, मोहम्मद जान जो है वो खेल रहा है। ये देखिए गंदे बच्चे खेल रहे हैं। हम घर पे आ गए हैं। हाँ हम घर पे आ गए व्यूअर्स। देखिए देखिए हंस रहे, देखिए देखिए देखिए, ओए गंदे बाबू ने दूध निकाल दिया। देखिए मेरी डॉल जो अभी बैठ चुकी है। देखिए मैंने कहा था ना ये मेटू मूव जैसी लगती है एकदम। और आपने, अगर आपको ये डॉल मेरी अच्छी लगी हो ना, तो आप कमेंट में ज़रूर बताना मुझे। अगर आपको मेरी डॉल अच्छी लगी है तो मैं आपको ये बनाना भी सिखाऊंगी कि मैंने ये कैसे बनाई है। ये देखिए ये बैठ भी जाती है। इसकी फ्रॉक भी मैंने मास्क से बनाई है, सारा कुछ मास्क से बना है। और ये जो इसका फेस है, इसके अंदर मैंने थोड़ी सी कॉटन डाली थी। और ये हेयर इसके वूल से बने। ये देखिए ये मैंने बनाई थी कल ना, डॉल बनाई थी जो मैं आप ही आई थी, मैं उनके साथ गई थी। तो मैं गई थी तो उनके साथ जाके मैं तीन मास्क लेकर आई थी। उस मास्क की मदद से मैंने ये डॉल बनाई है। देखिए ये देखिए इसके बाल जो हैं वो वूल से बने हुए। और ये देखिए खुले खुले हुए, मैंने अभी खोले छुड़े हुए हैं इसके बाल। देखिए यहाँ पर इसकी बो भी लगी हुई है। ये देखिए बहुत ही क्यूट है। ये देखिए इसकी चीक्स भी हैं, फेस भी है। फेस मैंने इसलिए ज़्यादा डार्क नहीं किया आईज़, क्योंकि वो जो इंक होती है ना मार्कर की, वो फिर इसके फेस पे फैल जाती है। इस वजह से सारे ही जो है ना इसकी फ्रॉक वगैरह सब कुछ मार्क से बना है। जो है ना सुई धागे से मैंने इसको सारा बनाया है। और ये जो इसका फेस है, इसके अंदर मैंने थोड़ी सी कॉटन डाली थी। ये देखें प्यारे बहन भाइयों, आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। छोटी हमने छोटी बनाई है, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाई। तो अगर आपको आज की वीडियो हमारी पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन लाजमी प्रेस करें। और कल होगी आपके नए वीडियो के साथ मुलाकात। दुआ में रखना याद। इसी के साथ हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।